हेलो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नीट 2017 का नेक्स्ट क्वेश्चन सेट आर का क्वेश्चन नंबर 89, जिसमें पूछा है कि मेरे पास अगर 1:1 आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर है तो इनको किस तरीके से हम सेपरेट कर पाएंगे, क्या टेक्निक है इनको सेपरेशन की। तो हमें पता है आर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और पैरा में इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज होता है और इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। तो अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, पैरा का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, आर्थो का कम होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है तो हम डिस्टिलेशन यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपको जो ऑप्शन दिया है वो दिया है स्टीम डिस्टिलेशन, जो आपका आंसर दिया आंसर नंबर फर्स्ट, स्टीम डिस्टिलेशन इज द राइट आंसर। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। This question comes from ionic equilibrium chapter 11th. Concentration of Ag plus ion saturated solution of silver oxalate is 2.2 into 10 to the power minus 4 mole per liter. Calculate the solubility product. देखते हैं silver oxalate ionize कैसे होता है, 2Ag plus plus C2O4 minus 2. This is 2S, this is S. यहाँ पे हमको 2s इक्वल टू दिया है 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। 2s की वैल्यू पूरी की पूरी 2s की वैल्यू यही है। कुछ लोग क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2s का और उनका आंसर यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। 2s की वैल्यू इतनी दिया है तो s इक्वल टू हो जाएगा 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। और अगर हम इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालें, Ksp इक्वल टू 4s क्यूब, 4s 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 क्यूब, ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5.3 इनटू 10 टू द पावर माइनस 12 के आसपास आंसर। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज टेंपरेचर इंडिपेंडेंट। दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम सॉल्यूशन कॉलिगेटिव चैप्टर, क्वेश्चन नंबर चैप्टर सॉल्यूशन कॉलिगेटिव 12th। व्हिच इज टेंपरेचर इंडिपेंडेंट, मोलैरिटी, वेट फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। वी नो दैट मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स एंड मास डू नॉट डिपेंड ऑन टेंपरेचर, so weight fraction also not depend on temperature, molality also not depend on temperature because number of moles upon mass of solvent, ना तो number of moles temperature depend करता है ना mass depend करता है, mole fraction, mole of component upon total mole, this also do not depend on temperature, that's why only molarity depend on temperature, क्योंकि molarity जो होती है number of moles of solute upon volume of solution होता है और volume जो है वो temperature को change करने से change होता है, that's why molarity temperature depend। Move to next question. Z equal to 114. आपको एटॉमिक नंबर दिया है किसी एलिमेंट का, 114 अब किस फैमिली से बिलोंग करेगा। देखिए सिंपल सी बात है, 114 है इसका नाम होगा अनक्वाडियम, न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट है। आपको अगर है कि अगर आप डी ब्लॉक को देखें तो डी ब्लॉक की शुरुआत फोर्थ पीरियड होती है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवेंथ। फोर्थ पीरियड में 21 से 30 तक एलिमेंट होते हैं, फिफ्थ पीरियड में 39 टू 48 तक एलिमेंट होते हैं, सिक्स्थ पीरियड में अगर आप देखेंगे स्टिल डी ब्लॉक की बात कर रहा हूं, 57 जो लैंथेनम होता है, उसके बाद 58 टू 71 लैंथेनाइड्स और 80 मर्क्यूरी, और सेवेंथ पीरियड में 89 डी ब्लॉक की जो शुरुआत होती है 89 एक्टिनियम से, उसके बाद 14 एलिमेंट 90 थोरियम से लेके 103 लॉरेंसियम, और आगे मूव करेंगे तो 112 जिसे हम UUB बोलते हैं, अनबायियम। तो डी ब्लॉक यहां पे सेवेंथ पीरियड में खत्म होता है, उसके बाद इधर बोरान फैमिली स्टार्ट होती है, फिर कार्बन फैमिली। तो इसका 113 आएगा बोरान फैमिली में और 114 आएगा कार्बन फैमिली में। द आंसर इज कार्बन फैमिली। ओके, थैंक यू।